रानी रानी पिताजी जी, ये क्या किया, कैसे हुआ ये? बस पिताजी वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ये मुझसे मग गिर गया, पता नहीं। तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो नहीं लगे। रानी तुम्हें तो बुखार है, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं सुमल बाजी, बस सब तो काफी ठीक हो गई हूँ। ये ठीक हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। नहीं बाजी, ये मुझे करना है। उठो जाके आराम करो, दवाई खाओ, जब ठीक हो जाओगी फिर आके काम करना। चलो उठो 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 उठो, मुझे ये करना है। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी, जाओ तुम आराम करो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, जाओ जाओ ख्याल से। अंबर रुको, कहाँ जा रही हो तुम? फ्रेंड से मिलने। हर रोज फ्रेंड से मिलने चली जाती हो तुम? मॉम जरूरी नहीं है रोजाना मैं कॉलेज जाऊँ और कॉलेज से घर आके घर में बंद हो जाऊँ। ऑफ मिला है तो फ्रेंड से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? बेटा तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स ना सर पे आए हुए हैं। ये बातें संबुल मुझे सुना चुकी है, अब आप और सुनाएंगी तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मॉम अब आपने चलना है सलोन, छोड़ दूं मैं आपको सलोन या नहीं? नहीं मैं खुद ही चली जाऊं। ओके चले बाय। अरे इतनी बदतमीजी होगी ये लड़की, इसका क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रही। मैम आपकी तकरीब कैसी रही थी? हाँ ठीक थी, तुम्हें तो पता है टाइम निकालना कितना मुश्किल है मेरे लिए, इतनी बिजी रहती हूँ, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि लड़की की माँ इतनी इंसिस्ट कर रही थी, अगर ना जाती ना तो अपसेट ही हो जाती मेरे साथ। खैर क्या करें। अच्छा बताओ वो शगुफ्ता का जो मसला था उस दिन तुमने हल कर दिया था ना? जी जी मैम, मैंने उसका इतना अच्छा मेकओवर किया, बहुत खुश होके गई थी वो। चलो शुक्र है अल्लाह का। कल मेरे जाने के बाद कितनी क्लाइंट्स आई हैं? मैम कल तो 4 क्लाइंट्स आए थे, मैंने एंट्री कर दी थी उनकी। वो मैम मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मुझे 2-3 घंटे का ऑफ मिल सकता है? क्यों? वो मैम मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है ना, तो अब्बू को वहाँ लेकर जाना है। तुम्हारे घर में कोई और नहीं लेके जा सकता उन्हें? वो मैम आपको पता है मेरी अम्मी जो है बहुत नासमझ है, उनको पता ही नहीं चलेगा अब्बू की कंडीशन कैसे बतानी है डॉक्टर को, और आपको तो पता है मेरे घर का मेरे भाइयों का। अच्छा अच्छा बस बस, इतनी लंबी चौड़ी कहानी की जरूरत नहीं है मुझे, चली जाओ लेकिन 2 घंटे में वापस आ जाना। अगर अपॉइंटमेंट है तो इसका मतलब है कि डॉक्टर बहुत जल्दी उनको देख लेगा, तो ज़्यादा वक्त ना लगाना। जी जी मैम, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी ना मैं अब्बा को रिक्शे पे बिठा के यहाँ सीधा आ जाऊंगी। ठीक है चलो, मैंने चाय मांगी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, जाके भिजवाओ किसी को। जी मैम मैं अभी भी भिजवाती हूँ, थैंक यू मैम। बहुत चक्करबाज है ये नीलम की बच्ची, चोर झूठी। मैं कम इन सर, आ जाएं प्लीज, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर नो प्रॉब्लम, बस एक छोटी सी कंफ्यूजन है सर। असल में सर जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरी सैलरी डिसाइड हुई थी 70,000 और अपॉइंटमेंट लेटर में 80,000 लिखी है, तो वही पूछना था सर। भाई तुमने 80,000 डिमांड की थी, मैंने 70,000 कहा था, अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी है ना, ये हो चुका है। Congratulations, letter and salary. Sir, thank you sir. मैं वक्त पे आ जाऊंगा sir. And thank you so much. 22 साल की है मेरी बेटी नेहा। अच्छा अच्छा और आपके शोहर? जी उनका तो बहुत पहले इंतकाल हो गया था। Oh, I'm so sorry. मैंने अकेले ही पाला है अपनी बेटी नेहा को, सिलाई का काम करती हूँ, खाने पकाने का ऑर्डर मिल जाता है तो वो भी करती हूँ। ये तो बड़े अच्छे काम है, इनकी तो बहुत डिमांड आ रही है आजकल। अच्छा बताएं आपकी बेटी पढ़ी कहाँ तक है? ग्रेजुएशन की है मेरी बेटी ने, और वो हेयर का और मेकअप का काम भी सीखा हुआ है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत नामवर ब्यूटी सलोन पे काम करती थी लेकिन मेरी बीमारी की वजह से छोड़ना पड़ा उसे। क्यों, आपको कौन सी बीमारी है? बस क्या बताऊं आपको, शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद दमा है, सांस लेने में तकलीफ होती थी ना मुझे, तो मैं उसी का इलाज कराती रही। बाद में पता चला कि
मुझे लंग का कैंसर है। बस मुझे अपनी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए चाहती हूँ मैं अपनी बेटी की शादी जल्दी कर दूँ। अच्छा बस हिम्मत करें, इलाज करवाती रहें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। और बेटी की फिक्र मत करें, मैं उसका बहुत जल्द रिश्ता करवा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर देगा। बहुत नेकी का काम कर रही हैं आप। हाँ जी, मैंने तो यही फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी जो है ना इसी काम को ना डेडिकेट कर दूंगी। बहुत नेकी होती है, बहुत इसका सिला मिलता है मुझे। अच्छा आपकी फीस क्या होगी? रजिस्ट्रेशन 15,000 रुपए और फिर रिश्ता पक्का होने पे ना 50,000। ज्यादा नहीं है, मैं कम ही रखती हूँ। 50,000 बहुत ज्यादा नहीं है? अरे देखिए, मुझे अपना वक्त निकालना होता है। मैं लड़के के घर जाती हूँ, सारा चेक करती हूँ, घर का माहौल देखती हूँ, खानदान को देखती हूँ, और फिर जब मुझे तसल्ली हो जाती है ना उसके बाद मैं ना खानदानों को मिलाती हूँ। टाइम तो लगता है ना इस पे। जी मैं समझ सकती हूँ, मैं बस 5,000 लेकर आई हूँ। तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आप बाद में 15,000 दे दीजिएगा। अच्छा सुने, बेटी की तस्वीर लाई है? तस्वीर तो दिखाएं मुझे। हाँ है मेरे पास, मोबाइल में है। वैसे तो एक्चुअल तस्वीर चाहिए होगी, कोई फाइल में लगानी होती, लेकिन मैं देख लेती हूँ। जी माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी तो। शहजादियों जैसी है मेरी बेटी, इसीलिए चाहती हूँ कि किसी अच्छे और बड़े घर में शादी हो उसकी। बहुत सीधी सादी है, दुनिया की ऊंच नीच की कोई खबर नहीं है उसे। स्कूल और कॉलेज में भी ना कभी कोई दोस्त नहीं बनाई, बस पढ़ाई में ही लगी रहती थी। अच्छा मैं आपकी बेटी से मिल कब सकती हूँ? जी जी जब आप कहें। तो फौरन ले आए, मैं हूँ अभी इधर पार्लर पे ना। एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा देर ना कीजिएगा, जल्दी जल्दी ले आए उसे। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया, बस मैं लेकर आती हूँ उसे। बेटा खाना वाना पका लेती हो? जी अम्मी की हेल्प करवा लेती हूँ और बेकिंग भी करती हूँ। और क्या हॉबीज हैं आपकी? नहीं कुछ खास नहीं। बेटा इतनी परेशान क्यों लग रही हो, रिलैक्स कर जाओ ना, मैं बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह हूँ, खुल के बात करो ना। अच्छा आपकी अम्मी मुझे बता रही थी कि आपने कोई ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है? जी वो मैं ब्यूटी सैलून में जॉब करती थी। वैसे वहाँ काम क्यों छोड़ा तुमने बेटा? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और पार्लर बहुत दूर था, आते जाते देर हो जाती थी, रास्ते में रश बहुत होता था ना, तो जब तक मैं घर नहीं पहुँचती थी बेचारी अम्मी परेशान हो जाती थी, बस इसीलिए छोड़ना पड़ा। अच्छा वहाँ ब्यूटी पार्लर से क्या क्या सीखा है तुमने? मैंने हेयर और मेकअप का काम सीखा हुआ है।